जो भी चेंजेस अनाउंस किए गए गवर्नमेंट की तरफ से और मेनली ये मेनली स्ट्रेंथनिंग द रिक्वायरमेंट्स जो रिक्वायरमेंट्स है उसको स्ट्रेंदन करने के लिए उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने के लिए ये सारे चेंजेस लाए गए हैं और मेन ऐसा कोई वीजा चेंज नहीं हुआ है कोई न, कोई नया पॉइंट सिस्टम नहीं है ऐसा कुछ नहीं हुआ है लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स निकाले हैं जो उनको सिस्टम में लगे कि जो भी वीजा परमानेंट या टेम्पररी कोई भी वीजा का यूज या मिस हो रहा था उसको स्टॉप कैसे किया जाए उसके बारे में अभी सारे चेंजेस नए लाए गए हैं तो सारे चेंजेस जो नए चेंजेस आए हैं उनको बारी बारी देखते हैं कि क्या हुआ है क्या क्या चेंजेस है और सबसे बड़ा चेंज क्या है एंड सबसे बड़ा चेंज हमारे जो प्रोटेक्शन वीजा होल्डर्स है उनके लिए है तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो या ऑस्ट्रेलिया के बाहर हो एंड इफ यू आर ट्राइंग और थिंकिंग टू गो ऑन ऑस्ट्रेलिया एंड लॉज प्रोटेक्शन वीजा तो ये वीडियो बहुत ही आपको गहराई से सुनना है और ध्यान से सुनना है बिकॉज ये वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगा तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपके सारे इन्फॉर्मेशन आपको आपके पास हो और जो भी आप कुछ भी आप करना चाहते हो लेट्स से इफ यू वांट टू गो हेड फॉर प्रोटेक्शन वीजा और एनी टेम्पररी वीजा एंड जहां पे आपको ये लग रहा है कि आपका आपसे सिस्टम का मिस हो रहा है तो दैट वीडियो दिस वीडियो विल हेल्प यू इन इन मेकिंग श्योर कि ऐसा ना हो तो अभी जो हमारे मिनिस्टर होम अफेयर्स मिनिस्टर अफेयर क्लेरोनि और इमिग्रेशन मिनिस्टर एंड्रू जाइल्स ने जॉइंट प्रेस मीडिया रिलीज में ये सारे अनाउंसमेंट किए हैं कि क्या क्या नए चेंजेस चेंजेस हम नॉट बट कौन से कौन से रिफॉर्म्स हम ला रहे हैं तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अपने वो सारे रिफॉर्म्स दिखाता हूँ ये विंडो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर का विंडोज है विंडो है तो यहाँ पे तीनों मिनिस्टर एंड्रू जॉयस क्लेरोनिल और आ, सेनेटर मरेवर्ट वॉट्स का भी है तो लेट्स गो विथ ऑनरेबल क्लेरोल उनके जो भी नॉट oh, अगेन no. उनके वेबसाइट पे क्या वो बता रहे हैं लेट्स हैव अ लुक तो आज देखिए अगर आपके रिस्टोरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोटेक्शन वीजा सिस्टम इंटरव्यू एंड इंटरव्यू एंड इंटरव्यू एंड द ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन कम्प्लायंस अक्टूबर को उन्होंने स्ट्रेंदनिंग ऑफ कंप्लायस को कंप्लायंस को स्ट्रेंद करने के लिए जितने भी चेंजेस जो रिफॉर्मस बताए हैं तो उसमें मेन हाथ है क्रिस्टिन निक्सन का क्रिस्टिन निक्सन इज एपीएम uh, उन, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप ये पूरा जो अभी इमिग्रेशन सिस्टम बना हुआ है उसके उसका एक रिव्यू करो कि उसमें क्या जरूरतें हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो सारे क्वेश्चन उनको एक रिव्यू में बताने के लिए बोला गया था निक्सन का जो रिव्यू सबमिट किया उन्होंने तो वो सबमिटेड रिव्यू और उस रिव्यू को के मुताबिक गवर्नमेंट ने अपने सारे जो नए पॉलिसी कैसे निकाले जाए कैसे बनाए जाए और कैसे ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स को सिक्योर किया जाए उस मैटर को ध्यान में रखते हुए उनके जितने भी उन्होंने रिकमेंडेशन दिए उसमें से कुछ एक्सेप्ट भी किए कुछ को उन्होंने खारिज भी कर दिया लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बड़ा बताया था कि भाई बड़े चेंजेस आने वाले हैं न्यूज़पेपर में दे दिया था न्यूज में भी आया था मैंने भी एक दो क्लिप शेयर किए थे तो ओवरऑल द हाइप वाज रियली ह्यूज की बहुत बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं लेकिन एक्चुअली हुआ है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा

सिस्टम को वो वो कर रहे हैं, वो पुराने जो मिनिस्टर थे उनको ब्लेम कर रहे कि उन्होंने 10 साल तक सत्ता में थे, तो कुछ ध्यान नहीं दिया हम भी डेढ़ साल से है लेकिन हमने भी नहीं दिया इतना ज्यादा कुछ तो ऐसा जरूरी नहीं है अब मैं बोलूंगा बिल्कुल बिंदा बट रियलिटी शो द ऑस्ट्रेलियन वीजा सिस्टम मेनली इनका जो रिव्यू था उसमें ऐसा देखने को मिला है कि क्रिमिनल्स ये ये वीजा सिस्टम को काफी मिस कर रहे हैं स्टूडेंट वीजा पे आके यहाँ पे यू नो लाइक ड्रग सेलिंग और मेनली गैंग्स गैंग्स आ रहे हैं ना ओवरसीज गैंग्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में एंड दे जस्ट यू नो अपना वेपन का एम्पायर अपने ड्रग बिजनेस का एम्पायर बना रहे हैं कुछ यू uh, नो you know,

गैंग्स ऐसे जो 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 भी पूरा जो चल रहा है सारा कुछ स्कैम तो वो और स्पेशली माइग्रेशन एजेंट्स माइग्रेशन एजेंट्स को तो काफी क्रिटिसाइज किया गया है और उन्होंने बताया कि माइग्रेशन एजेंट्स के जितने भी रिकमेंडेशन वो निक्सन ने दिए थे वो सारे उन्होंने एक्सेप्ट किया है आई विल शो यू व्हाट आर द रिकमेंडेशन सो so, यहाँ पे रिस्पॉन्स टू द गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ये है और क्लियर ओनिल uh, ने ये भी बताया था कि ग्रेट फ्रॉड ये फ्रॉड हो uh, मतलब ये जो प्रीवियस uh, मिनिस्टर uh, थे पीटर डटन उनके अंडर में ये सब हो रहा था सो दे दे आर ब्लेमिंग हिम कि वो एक फ्रॉड uh, उनका था पूरा सारा कुछ पूरा ये फ्रॉड सिस्टम उन्होंने उनके नजर के नीचे चल रहा था एंड ही नेवर से वर्ड एंड क्वेश्चन रिप्लाई रेपिड रिव्यू इन टू द एक्सप्लेशन ऑफ ऑस्ट्रियन विजा सिस्टम रिव्यूज द एक्सटेंट ऑफ द फ्रॉड और ये जो फ्रॉड हो रहा है उसका एक्सटेंट क्या है ये निक्सन के रिव्यू ने हमें बताया है तो यस ये थोड़े से ब्लेम गेम चल रहे बेसिकली इतना ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन अभी मेन जो हमारा है वो आई वॉन्टेड टू कैच एवरीबडीज अटेंशन ऑन दिस अनाउंसमेंट जो है प्रोटेक्शन वीजा के लिए जो प्रोटेक्शन वीजा होल्डर्स अभी आपको सबको पता ही है कि कैसा हो रहा था कि पीपल आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया अब लोग ऑस्ट्रेलिया में आते थे और यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया में आके देन दे विल

और लोग वो उसको यूज करके फिर वो प्रोटेक्शन वीजा आपका रिफ्यूज हो गया फिर उसका ए, -ए करना फिर उसका ए, -ए हो गया तो ए, -ए के बाद भी आप वो उसको आ, आ, क्या बोलते हैं दे दे फेडरल कोर्ट अपील And then ministry, तो मिनिस्ट्री मिनिस्टर इंटरवेंशन ये चारों जो एवेन्यूज हैं आपके वीजा एप्लीकेशन के उनको यूज करके दे वेर स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया अप टेन इलेवन ईयर्स द मिनिस्टर कि दस ग्यारह साल तक वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये सिस्टम का यूज करके विथ फुल वर्क राइट एंड मेडिकल कार्ड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे

ओवरसीज से ऑस्ट्रेलिया आके अप्लाई करना चाहते हैं उन सब के लिए कि ये अब ये इतना बजट उन्होंने यहां पे अलोकेट किया है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे आने के लिए और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आके प्रोटेक्शन वीजा डाल देंगे और 10, 11, 12 साल रहेंगे तो दिस विल बी केस। वो केस नहीं होगा सिस्टम फेयर गो टू बिजनेस मॉडल ऑफ पीपल हु एक्सप्लोर सिस्टम ड्यूरिंग द मोस्ट ड्यूरिंग ऑलमोस्ट डिकेड ऑफ नेग्लेक्ट एंड under investment and mismanagement by the former government backlogs were allowed to grow exponentially across the entire migration system and delays in processing and reviewing onshore protection visa in particular blew out

motivating and bad actors to take advantage by uh, doing increased number of non genuine application for protection this has come to a cost to people in genuine need of protection and wo bata raha hai ki agar jo log eligible nahi hai wo log apply karte hain to jo log eligible hai unka process delay hota hai and that's why they are trying to make these changes this is peter dutton's legacy aur ye sara blame ja raha hai peter dutton ke upar while mr dutton was focused on marketing himself through a decision maker On borders, his six years of change of immigration system has proved uh, proved that he is a weak, incompetent, or both. So, uh, ab political mein nahi hame, changes are right, uh, rightly proud of the country's generous refugee program, which assists those who are fleeing persecution and needs the protection. The Albanese government is not stand back and allow the People traffickers and get bad actors to exploit the vulnerable migrants and then undermine the integrity of that program. The government historic approach announced today will provide the support to vulnerable visa applicants being processed, uh, tackling the incentives or bad actors will ex exploit the system. An investment of 54 million will be used to establish the real time priority processing. So, 54 million's ka budget the real time priority established? Kiya कि मतलब अगर आप आज अप्लाई करते हो तो यूजुअली क्या होता है दो दो ढाई साल के बाद आपका डिसीजन आता है तो अभी वो क्या करेंगे कि रियल टाइम आज आज अप्लाई कर रहे हो तो आज ही आपका असेसमेंट होगा और आज ही आपका प्रोसेस uh, होगा तो आपको डिसीजन भी जल्दी मिल जाएगा रियल टाइम असेसमेंट प्रोसेसिंग द प्रोटेक्शन वीजा एप्लीकेशन टू हेल्प ब्रेक द बिजनेस मॉडल ऑफ दोज हु अब्यूज द सिस्टम एंड एंश्योर द फास्टर फेयर एंड मोर एफिशिएंट प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर दोज जेन्युइनली नीड ऑस्ट्रेलियन प्रोटेक्शन तो ये जिन लोगों को जेन्युअ प्रोटेक्शन uh, सही में जो लोग एलिजिबल हैं, उन लोगों को वो चांस uh, मिलेगा एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 58 मिलियन और दूसरे 58 मिलियन कहा जाएंगे तो वो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अपील ट्राइब्यूनल एंड फेडरल कोर्ट के तरफ जाएंगे विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दो बॉडी टू डील सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन वीजा अदर माइग्रेशन रिलेटेड केस लोड्स तो बाकी जो पेंडिंग केस है उन सबको टैकल करने के लिए उनका यूज किया जाएगा एडिशनल टेन मेंबर्स फॉर ए ए टी ए टी में जो जज होते हैं उनको मेंबर्स बुलाते हैं तो दस और मेंबर्स दिए जाएंगे इन एडिशन टू नाइनटी थ्री एडिशनल मेंबर्स तो 93 तो एडिशनल मेंबर्स हैं उसके अलावा 10 दिए जाएंगे एंड ऑल ऑफ दिस एडिशनल 80 मेंबर्स विल ट्रांजिट टू अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ट्रिब्यूनल वेंस इज एस्टैब्लिश और ये तभी किए जाएंगे जब नई एएटी एस्टैब्लिश की जाएगी अभी जो करंट एएटी है उसको डिसॉल्व किया जाएगा और नया कोई डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसमें ये सारे ऑफिसर्स रखे जाएंगे एडिशनल 10 फेडरल कोर्ट सर्किट जजेस तो फेडरल कोर्ट में भी जजेस को किया जाएगा कि जो वहां पे बैठ सके फर्दर गोर्टी टू एसेंशियल लीगल एप्लीकेशन प्रोसेस प्रोटेक्शन सिस्टम एंड द बैकलॉग विल टेक टाइम टू फिक्स हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम और बैकलॉग जो है विल टेक टाइम टू फिक्स तो टाइम तो लगेगा तो ऐसा तो नहीं है कि आज शुरू किया और आज से सारा कुछ हो जाएगा टाइम तो लगेगा इस ये सब काम करने में तो यस दैट्स व्हाट दे सेइंग। बट अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलियन प्रोटेक्शन विल बी सर्टनली अबाउट फ्यूचर सुनर एंड अच्छा होगा सारा अच्छा सब अच्छा हो जाएगा हम ऐसा कर रहे हैं तो ये दिस इज सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट तो ये जो अनाउंसमेंट हुए हैं उससे उसका टेक अवे क्या है तो बेसिकली ये जो अनाउंसमेंट आज हमने पढ़े उसका टेक टेक अवे अवे मैं मेन ऐसा बोल रहा हूं कि प्रोटेक्शन वीजा शायद ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में जब ये इन्वेस्टमेंट होगी ये स्टैब्लिशमेंट होगा सब कुछ होगा तब की बात है राइट नाउ आई थिंक आई डोंट नो व्हाट्स एपनी बट लेकिन ये कब से इफेक्ट में आएगा है? उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन सिर्फ हमने बजट अलोकेट किया है सो so, गवर्नमेंट ये क्या ये आर्टिकल में आपने शायद देखा होगा कि उन्होंने दो तीन बार पीटर डटन का नाम लिया है कि उन्होंने सिस्टम बकवास सिस्टम था उनका और हमने अच्छा कर हम अच्छा कर रहे हैं और इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिग अनाउंसमेंट इज दैट अकॉर्डिंग टू मी